फर्स्ट टर्न चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो लेकिन उससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि हमने जो है कंप्यूटर में क्या क्या कवर कर लिया है। तो ये 11th क्लास की बुक है जिसमें हमने चैप्टर 1 जो यूनिट 1 है कंप्यूटर फंडामेंटल, उसमें चैप्टर 1, 2, 3 और 4 ये चारों चैप्टर जो है हम कर चुके हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो भी कर चुके हैं। फिर सेकेंड बात आती थी प्रोग्रामिंग एंड मेथडोलॉजी, एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट और गुड प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट 2 भी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने स्टार्ट किया था यूनिट 3 जो था इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन में जो है हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं गेटिंग स्टार्टेड। ओके, इसमें जो है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वही जो है सेकंड, थर्ड और इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी जो है डिटेल में जो है इसमें दिया गया है। तो हमने जो है इसका चैप्टर जो है शुरू किया था, पाइथन होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, लिस्ट क्या होती है, स्ट्रिंग्स क्या होती है, सारे डाटा टाइप्स थे उसमें। हमने जो इसे डिटेल में नहीं पढ़ा था लेकिन कुछ चीज़ें जो पढ़ी थी उसी पे बेस्ड जो है हम एमसीक्यूज देखने वाले। तो हम जो है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनते हैं, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी उसमें हम जो है ये सारी चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक या दो वीडियो में जो है खत्म कर दें, ये चारों चीज़ें एक में कर लेंगे और ये दो चैप्टर्स जो हैं वो एक वीडियो में करने की कोशिश करेंगे ताकि कंप्लीट हो सके हमारा जो कंप्यूटर का सिलेबस उसे इजीली जो हम कंप्लीट कर सके। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो है एमसीक्यूज। अगर किसी ने जो है इससे पहले हमारी जो पाइथन का थ्योरी का जो लेक्चर है वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए ताकि आप जो क्वेश्चन जो मैं इसमें लेके आई हूं वो आप इजीली कर पाए। बहुत इजी क्वेश्चन है उसके लिए, लेकिन जिसने ये देखा है पाइथन की थ्योरी वाला लेक्चर जो देखा है उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और जिसने नहीं देखा है उसके लिए ऑब्वियस है मुश्किल होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन वॉज रिलीज्ड पब्लिकली इन 1941, 1971, 1981 या 1991। पाइथन को जो है रिलीज कब किया गया था पब्लिकली, तो ये पब्लिकली रिलीज हुई थी 1991 में। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु क्रिएटेड पाइथन, गाइडो वैन रोश, जेम्स गोजलिंग, डैनिश रिची, टॉम क्रूज। तो पाइथन को किसने क्रिएट किया था, पाइथन को क्रिएट किया था गाइडो वैन रोश्यू ने। डैनिश रिची ने किस लैंग्वेज को क्रिएट किया था, सी लैंग्वेज को। ओके, और पाइथन को गाइडो वैन रोश्यू ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, हमने इसमें पढ़े थे ऑपरेटर्स, तो इनके बीच में आया हुआ है ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर का नाम क्या है ये पूछ सकते हैं, तो ये होता है मोडुलो ऑपरेटर या जिसे हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन बताना है क्या, देखिए नाम से ही पता चल रहा है अगर मोडुलो याद रखेंगे, या इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, इसमें आंसर वो होता है जो हमारा रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो 3 से हम इसे कट करके देखते हैं, 3 × 7 = 21 और 22 में से जब 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस जो एक्सप्रेशन होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो देखिए इसमें कौन कौन से जो है वो लगे हैं। पहले इसमें लगा है मल्टीप्लीकेशन, देन इसमें लगा है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का क्या होता है पावर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सिंपल, 3 × 1⁻³। अगर इसको हम सिंपली लैंग्वेज में लिखे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, तो आप इसे इजिली सोल्व करते हैं। हम पहले जो है पावर को सोल्व करते हैं, देन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, 1³, 1 और 3 × 1³। राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो सारा खेल जो है इसमें किसका है, प्रीसीडेंस का है, जिसकी हायर प्रीसीडेंस होगी वो इवेलुएट होगा पहले एंड उसके बाद जो है लोअर प्रीसीडेंस वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रन विदाउट एरर, इनमें से कौन सा ऐसा जो विदाउट एरर जो है रन हो जाएगा, राउंड 45.8, राउंड मतलब कुछ पास ही नहीं किया इसमें, राउंड ये दिया है 25 और राउंड 6473.12321 डाला है, तो इसमें जो विदाउट एरर रन होगा वो कौन सी वैल्यू होगी, वो होगी सिर्फ राउंड 45.8। ओके, तो सिर्फ ये रन होगा विदाउट एरर, बाकी सब में जो है एरर आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए राउंड का मतलब क्या होता है, जो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा राउंड ऑफ लेते हैं हम, जैसे 45.8 है तो 46 ले लिया, 47.1 है तो हम उसको सिर्फ 47 लिख लेते हैं, ये होता है राउंड। लेकिन इसमें बताइए हम क्या 2, 5 का कोई राउंड ले सकते हैं, 2 और 5 दे दिए, सिंपल इंटीजर्स दे दिए, इसमें क्या उसकी राउंड ऑफ वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी दी गई है। ओके, इसमें भी सेम यही किया गया, एक वैल्यू तो इन्होंने डाल दी राउंड ऑफ में जिसे लिख सकते हैं, लेकिन 2, 1 को कैसे राउंड ऑफ में लिखेंगे, तो इसलिए ये कैंसिल, इसमें तो पास ही नहीं किए, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं उस चीज में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डाटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट ब्लो, L इक्वल टू 123, हेलो 1, ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये कौन सा डाटा टाइप है,
स्क्वेयर ब्रैकेट्स में कौन सा डाटा टाइप लिखते हैं, जो भी हम पास करते हैं वैल्यूज स्क्वेयर डाटा टाइप मतलब जो स्क्वेयर ब्रैकेट्स होती हैं वो कौन सा डाटा टाइप होता है, लिस्ट डाटा टाइप होता है। तो लिस्ट में वैल्यू इस तरीके से जाती हैं। ओके, बाकी दिए गए हैं एरे, टप्पल और डिक्शनरी। एरे में भी वैल्यूज जो है वो इस तरीके से डलती हैं, लेकिन उसमें जो है ये नहीं होता है कि उसमें साथ में आपने स्ट्रिंग भी डाल दिया, इंटीजर भी डाल दिया, तो उसमें इंटीजर में ये वैल्यूज आती है, तो इसलिए ये एरे नहीं हो सकता। फिर आती है बात डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में जो भी हम वैल्यू पास करती हैं वो होती है हमारी करली ब्रैकेट्स में। ओके, और टप्पल में होती है हमारी ये वाली ब्रैकेट्स। तो तीनों ब्रैकेट्स जो है याद रखिए कि इसमें कौन सी लगती है, स्क्वेयर ब्रैकेट्स जो लगती है वो लिस्ट में, करली ब्रैकेट्स डिक्शनरी में, और टप्पल में ये वाली ब्रेसेस होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंड 0.5 माइनस राउंड माइनस 0.5। देखिए राउंड वैल्यू लेंगे अब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमने देखा राउंड 0.5, 0.5 को हम 1 लिख सकते हैं ना, माइनस फिर राउंड माइनस 0.5, माइनस 0.5 मींस इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1। माइनस 1 की जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 बनेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.0 आ जाएगी। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हमने पढ़े थे कि उसकी पॉसिबल लेंथ बतानी है, देखिए उसकी कोई पॉसिबल लेंथ नहीं होती, वो कितनी भी लंबी हो सकती है, आइडेंटिफायर जो आप कितने भी लंबे हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो चीज ध्यान देने की थी वो क्या थी कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उसमें नंबर्स भी यूज करते हैं, डिजिट्स भी सॉरी अल्फाबेट भी यूज होते हैं, डिजिट्स भी यूज होते हैं, और साथ साथ उसमें अंडरस्कोर भी यूज होता है। लेकिन कई बार पूछ ले कि इनमें से आइडेंटिफायर कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा होगा जो किसी नंबर से शुरू होगा ना, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर से शुरू होगा तो वो हमारा आइडेंटिफायर नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा अल्फाबेट से शुरू हो, अंडरस्कोर हो इसमें, और या फिर अंडरस्कोर ना भी हो, तो वो सारे हमारे आइडेंटिफायर होंगे। तो सिर्फ इतना याद रखिए आइडेंटिफायर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, बाकी अल्फाबेट से हो सकता है, और उसमें आइडेंटिफायर भी सॉरी क्या कहते हैं उसे, अंडरस्कोर भी यूज हो सकता है और नंबर्स भी यूज हो सकते हैं, सिर्फ वो स्टार्ट जो है वो उससे नहीं होगा, नंबर से। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, तो कीवर्ड्स हमने पढ़े थे 31 कीवर्ड पढ़े हमने पाइथन में, तो क्या कैसे थी वो, लोअर केस थे, कैपिटलाइज थे, अपर केस थे, या नन ऑफ द मेंशन। तो राइट आंसर होगा नन ऑफ द मेंशन, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो कैपिटलाइज होते हैं, कुछ लोअर केस में होते हैं, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बतानी कौन सी इनवैलिड है। ओके, कौन सा जो है सही वेरिएबल पास नहीं किया गया है, तो देखिए ए बी सी ये बिल्कुल सही है, कोमा बी सी ये भी बिल्कुल सही है, इसमें पता चल रहा है ना कि अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम जब वेरिएबल पास करते हैं तो ब्लैंक स्पेसेस का यूज नहीं करते, स्पेस यूज नहीं किया जाता, लेकिन ए बी में ए बी सी में यहाँ पे ब्लैंक यूज किया गया है, मतलब स्पेस यूज किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे वेरिएबल जो है नहीं दिया जाता, तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं Which of these is not a core data type? जिसमें से डाटा टाइप नहीं है, डाटा टाइप हमने पढ़े सारे, लिस्ट भी डाटा टाइप था, टपल्स भी डाटा टाइप था, डिक्शनरी भी डाटा टाइप था, क्लास डाटा टाइप नहीं था। ओके, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, कौन सा इसमें डाटा टाइप नहीं है, क्लास जो है एक डाटा टाइप नहीं है। नेक्स्ट देखिए वॉट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इफ एक्स इक्वल टू 15 एंड वाई इक्वल टू 12, क्या जो है यहाँ पे रिजल्ट होगा। इनके बीच में देखिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया गया है, एंड ऑपरेटर का यूज किया गया है, यहाँ पे सिंबल नहीं दिया गया, सिर्फ सीधा एंड लिख दिया है, लेकिन आपको अगर प्रोग्राम मिलता है तो एंड ऑपरेटर यूज मिलेगा आपको, उसमें कुछ इस तरीके का होता है एंड ऑपरेटर, तो कुछ इस तरीके से यूज मिलेगा, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू आएगी। तो देखिए आपने अगर हमारा नंबर सिस्टम नहीं देखा है तो उसको देखिए, मैंने आपको बताया कि 15 को उसमें कैसे लिखा जाता है और 12 को किस तरीके से वैल्यू बताई थी मैंने आपको, 110 वाली बाइनरी वैल्यूज जो होती है, तो बाइनरी में अगर 15 को बात करें तो बाइनरी को लिखा जाता है 1100, ठीक है, ये सॉरी नहीं 15 को लिखा जाता है 41111, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 15। फिर आती बारी 12 की, 12 को लिखते हैं 1100। ओके, फिर हमें बताना है कि एंड में है, एंड में मैंने आपको बताया कि जब भी दो नॉन जीरो वैल्यू होगी तभी आंसर ट्रू आएगा, मींस वैल्यू 1 आएगी, और जैसे ही एक भी अगर जीरो वैल्यू है तो वो हमारा फॉल्स मींस 0 हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, अब देखिए 11 नॉन जीरो वैल्यू थी तो 1 आ जाएगा, फिर हमने चेक किया 11 इसमें भी नॉन जीरो वैल्यू है तो 1 आ जाएगा, फिर है 10 जीरो वैल्यू आ गई तो अगेन हमारा फॉल्स हो जाएगा, 10 फॉल्स हो जाएगा, तो ये बनेगा 1100। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 12, क्योंकि ये 12 की वैल्यू होती है इसलिए। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे 12 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर, ऑपरेटर्स पढ़े हैं हमने, ठीक है। देखिए सिंपल एंड आई और आई नोट आई, तो वो तो मैं आपको बता चुकी, सी में भी बताया मैंने और इसमें बताया था। देखिए एंड आता है तो हम इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, और आता है तो ये सिंबल यूज करते हैं, और नोट आता है तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ओके। लेकिन बिटवाइज में क्या हो जाता है, बिटवाइज में सिंगल हो जाते हैं, बिटवाइज एंड के लिए सिर्फ एक एंड यूज करते हैं, बिटवाइज और के लिए सिर्फ ये एक वाला डंडा यूज करते हैं, ओके। और बिटवाइज नोट हो गया ये वाला, और जो बच गया वो क्या बन गया, बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर, ठीक है। तो बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, ये है, ये बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज और है, और ये बिटवाइज नॉट है, या फिर इसको सिंपल नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड, कोड की आउटपुट बतानी क्या होती है। नोट, नोट ऑपरेटर, नोट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एंड की, हमने देखी कि जब भी कोई मतलब दो नॉन जीरो है तभी जो है हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और में हमने पढ़ा जैसे ही हमारे पास एक वैल्यू भी अगर हमारी ट्रू है, एक वैल्यू भी अगर हमारी अगर नॉन जीरो है तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। लेकिन नोट में हमने पढ़ा था कि अपोजिट होंगे, अगर वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। तो अपोजिट होते हैं, अब हम कंडीशन को चेक करते हैं, क्या थ्री ग्रेटर देन फोर है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। थ्री ग्रेटर देन फोर तो नहीं होता है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। और नोट गेट लग गया, अगर हमारा फॉल्स था यानी कि जीरो वैल्यू है तो हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा, तो मीन्स ट्रू मिलेगा। तो फर्स्ट वाली कंडीशन से हमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया आंसर, ठीक। सेकंड देखते हैं, वन एंड वन, देखिए बिटवाइज एंड लगा दिया, अब इसका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा क्योंकि दोनों नॉन है, सॉरी क्या कहते हैं उसे, नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू आ गया। तो नोट में जब ट्रू आएगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स जो है इसे प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए ट्रू फॉल्स किसमें है, इसमें है, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी, सारा उसका प्रेसिडेंस का खेल है, कीजिए इसको कि कैसे होगा। ऑपरेटर्स मैंने आपको सिखाए हुए हैं, एडिशन ऑपरेटर यूज हुआ है, तो सीधा क्या हो जाएगा, 6.00 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 6. देखिए किसमें आ रही है, 6.0 वैल्यू इसमें आ रही है, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, अगला देखते हैं, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये हो जाएगा 6.00 होगा, 6.00। देन उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, 2^4.0, ठीक है। 2×2 = 8×2 = 16 हो जाएगा ये जीरो, एक मिनट इसका आंसर बताती हूँ। तो इसको हम जो है देखिए 6.0 लिखे, 6.00 लिखे, फर्क नहीं पड़ता है, मेन चीज जो आएगी वो फर्क पड़ेगी हमें इससे, ओके। 6.16 तो होगा नहीं क्योंकि पॉइंट में ऑलरेडी वैल्यू आ रही है, तो ये हो जाएगा 6, ओके 6.0 लिख लेते इसे, और ये हो जाएगा 2^4 यानी कि 16 हो जाएगा, ओके। तो ये बनेगा 16.0, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी क्या हो गई। तो देखिए अगर हम इसे सिंपल लिख के देखिए तो कैसे लिखा जाएगा, 4+ इसका एक्सपोनेंट जो ऑपरेटर यूज हुआ है, इसका मतलब होता है रेज टू पावर, तो 2^5, ओके 2^5 एंड देन ये आएगा। तो सबसे हाईअर प्रेसिडेंस इसमें क्या बनेगी, पावर बनेगी, तभी कट कर सकते हैं। तो 4+2^5 कितना होता है, 32, अपोन में जाएगा ये 10। इसमें क्या होता है, जो ये वाला साइन होता है इसमें होता है डिविजन, ये इंटीजर डिविजन जो होती है उसमें क्या करते हैं, हम जिससे भी डिवाइड करेंगे सिर्फ वो लेंगे। तो ये 3 से कट रहा है, 10 या 30, इसमें हमें रिमाइंडर नहीं लेना है, जो जिससे कट होगा वो लेंगे। तो ये हो जाएगा 4+10 या 30, 3, तो आंसर आ जाएगा 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यूज बतानी। अब सबसे पहले ये दिया है, इसमें जो है हायर प्रेसिडेंसी किसकी होगी, डिविजन वाले की होगी, तो यहाँ से कट करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 और मोडुला 3। देन इसमें करते हैं ये कितना होगा, 4×6 = 24, 6 से कटेगा, फिर 2 से पूरा कट रहा है 3, ये 3 आ जाएगी वैल्यू, और ये कितनी आएगी, इसमें मॉड्यूलो आया है रिमाइंडर वाली वैल्यू होगी, तो 3×1=3, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1×3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये इसके पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई थी वो क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू जस्टिफिकेशन। देखिए मैंने आपको बताया सारा प्रेसिडेंसी का खेल है, जिसकी प्रेसिडेंसी हाई वो उसका अलग आंसर। देखिए हर एक का एक्सप्रेशन का अलग स्टेटमेंट वो मिलेगा आपको आंसर। इसमें क्या होगा, पहले अंदर वाले को सोल्व करेंगे, तो 7×2×7 = 14 आ गया। इसको सोल्व किया हमने तो हायर प्रेसिडेंसी एडिशन से ज्यादा किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की है, 3×2 = 6+4 = 10 आ गया। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2+12 = 14 आ गया, ठीक है। तो देखें आपने कि हर एक में जो है अलग अलग आ रहा है, तरीका जो है अलग अलग है करने का, ओके।
अगला देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट, इसका किस टाइप का आएगा ये? तो 3 और 1 4 प्लस 2.0, तो ये 6.0 हो जाएगा। किस तरीके का हो गया ये पॉइंट में? फ्लॉट का। ओके नेक्स्ट है, मैच करना है कि किससे कौन सा मैच हो रहा है। देखिए 1023 पॉइंट नहीं आया है, तो ये किस तरीके का है? ये है इंटीजर। ओके INT टाइप का है ये, तो ये बन गया। सो एक मिनट, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सारे क्लियरली दिख जाए आपको। ये देखिए अब मैच करते हैं इसे, तो 1023 जो है किस टाइप का है? INT टाइप का। देन नन भी पढ़ा था हमने, तो नन का कैसा टाइप होता है? नन टाइप होता है। 2 4 8 16, ये देखिए आ गया स्क्वेयर ब्रेकेट्स के अंदर। स्क्वेयर ब्रेकेट्स के अंदर अभी पढ़ा हमने ऊपर टप्पल होते हैं। ट्रू और फॉल्स जो वैल्यूज होती है, लॉजिकल वैल्यूज जो होती है, वो किस में होती है? बुलियन में होती है। ये पूछा भी गया था आपके पेपर में वैल्यू वाला, बुलियन से रिलेटेड। 17.54 डेसिमल वैल्यू है, तो किस में जाएगा? कौन सा डाटा टाइप हो जाएगा? फ्लॉट डाटा टाइप। देन रोज 1952, इस ब्रैकेट्स के अंदर क्या यूज करते हैं हम? एक मिनट, स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट जाती है, टप्पल नहीं, सॉरी, तो ये लिस्ट में जाएगा, ये होगा टप्पल के अंदर। ठीक है, ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं, जो मिडिल ब्रैकेट्स होती हैं हमारी, बीच वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं उसमें जाएगा ये। ओके तो ये इसमें चला गया। एंड देन मैंने आपको बताया था सिंगल ब्रैकेट्स और डबल ब्रैकेट्स के अंदर क्या, डबल कोट, सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर क्या जाता है? स्ट्रिंग जाता है। तो माइक फैट कैट किस अंदर जाएगा? स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर जाएगा। ओके तो बाकी तो कन्फ्यूजन रहा नहीं, सिर्फ इसी का है, स्क्वेयर ब्रैकेट्स हो तो ये लिस्ट के अंदर जाएगा, अगर ऐसी ब्रैकेट्स हो तो टप्पल के अंदर जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, विच लाइन आर कमेंटेड, कमेंट के बारे में बताया था, सी में हमने कमेंट पढ़ा था, तो वो किसके बीच में था? ये वाली, ये एक मिनट, ये वाली चीज़ के बीच में जो भी लिखा जाएगा वो हमारा क्या होगा? कमेंट, सॉरी एक मिनट दोबारा लिख देती हूँ मैं, इस चीज़ के बीच में जो भी लाइन हम लिखेंगे वो क्या होगा? हमारा कमेंट सेक्शन होगा। लेकिन पाइथन में अलग था, पाइथन में क्या यूज़ करते हैं हम कमेंट लिखने के लिए? दिस इज ए कमेंट, हैश का यूज़ किया जाता है कमेंट लिखने के लिए पाइथन में। ओके तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन रिजल्ट इन 8, कौन सा ऑपरेशन जो है 8 रिजल्ट देगा? नीचे से शुरू करते हैं, तो ये 64 की पावर 5/10 हो जाएगा। 5 × 5 = 10 कट जाएगा। ये किसकी पावर बनेगा? आई थिंक 2^8 बनेगा, ये 2^8 बनेगा, इनटू 1/2 था, तो ये 2 × 8, तो 2 × 4 × 8 × 16 बनेगा आई थिंक, तो 18 नहीं बन रहा, तो रिजल्ट कट हो गया ये। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये 2^4 बनेगा, 2 × 4 × 8 × 16 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए क्या होगा, इसमें मॉड्यूल आया, रिमाइंडर देखेंगे, 9 × 9 = 9 आएगा, तो कितना बना? 8 रिमाइंड, एक मिनट, 9 × 9 = 17 × 9 = 8, हाँ 9 बन रहा है, बट 2 में 8 कैसे बन सकता है यार, एक मिनट यार, हाँ तो देखिए दोनों में ही जो है 8 बन रहा है, ठीक है, 9 × 9 और रिमाइंडर बचेगा 8, तो इसमें भी बन रहा है और इसमें भी बन रहा है, 8 × 8 = 64, 8 इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में ये जो है रिजल्ट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ओके नेक्स्ट देखिए, द डैश डाटा टाइप अलाउज ओनली ट्रू फॉल्स वैल्यू, अभी पढ़ा हमने, किस में अलाउ करता है? बुलियन में। देखिए बुलियन में भी बड़ा बी नहीं, छोटा बुलियन होता है, मतलब छोटा बी लिखा जाता है, तो ये बुलियन जो है ये याद रखिए, द बुलियन डाटा टाइप अलाउज ओनली ट्रू और फॉल्स वैल्यू। इफ द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 20, देन ए प्लस इक्वल टू बी विल असाइन, ये मैंने आपको सिखाए थे असाइनमेंट ऑपरेटर एडिशन के साथ यूज करना, तो ये हो जाएगा a प्लस इक्वल टू बी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a इक्वल टू a प्लस बी लिख सकते हैं। अब a में ab की वैल्यू डाल दीजिए, 20 + 20 कितना हो जाएगा? 40 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, 40 जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके द डैश ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड आउट इफ डिवीजन ऑफ टू नंबर यील्ड एनी रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर जिसमें हम आउटपुट लेते हैं वो किस में होता है? मॉड्यूलो में होता है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, देखिए व्हाट आर द टू मोड्स इन पाइथन, दो मोड्स बताए थे मैंने आपको पाइथन में, एक होता है इंटरेक्टिव मोड प्रोग्रामिंग एंड सेकंड होता है स्क्रिप्ट मोड प्रोग्रामिंग। ओके इंटरेक्टिव मोड प्रोग्रामिंग हमें बार बार चीजें डालनी पड़ती है, स्क्रिप्ट में जो है एक बार डाल दी उसे बार बार नहीं चेंज करना पड़ता। राइट एनी टू स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स, तो लिस्ट और स्ट्रिंग होते हैं, इज लिस्ट इज ए स्टैंडर्ड डाटा टाइप, यस लिस्ट इज ए स्टैंडर्ड डाटा टाइप। ओके राइट द काइंड ऑफ पाइथन डिक्शनरी, पाइथन डिक्शनरी किस तरीके की होती है? हैश टेबल टाइप होती है। ओके कैसे होती है? हैश टेबल टाइप। ओके जिसमें मैपिंग वगैरह करते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइथन लैंग्वेज की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट पी वाई होती है। ओके सी की पूछे डॉट सी होती है, सी प्लस प्लस की डॉट सी पी पी होती है, ये याद रखिए। नेक्स्ट विच मोड ऑफ पाइथन इनवॉकिंग द इंटरप्रेटर विदाउट पासिंग स्क्रिप्ट फाइल एज ए पैरामीटर, हम पैरामीटर्स को जो है पास नहीं करते हैं, ठीक है, जब हम उसे कंपाइल करते हैं तब पैरामीटर पास किए जाते हैं, तो वो ये किस में होता है? इंटरेक्टिव मोड प्रोग्रामिंग में। स्क्रिप्ट में क्या होता है? हम पहले चीज़ें को डाल देते हैं सारी चीज़ों को। विच मोड इज पाइथन इनवोकिंग द इंटरप्रेटर विद ए स्क्रिप्ट पैरामीटर बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट एंड कंटिन्यू अंटिल द स्क्रिप्ट फिनिशिंग, जब तक नहीं हो जाती वो तो है स्क्रिप्ट मोड प्रोग्रामिंग। इन विच टाइप
इन विच मोड ऑफ पाइथन द इंटरप्रेटर इज नो लॉन्गर एक्टिव, जिसमें जो है इंटरप्रेटर जो एक्टिव नहीं रहता है, तो वो है स्क्रिप्ट मोड प्रोग्रामिंग में. डू पाइथन वेरिएबल्स हैव टू बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर टू रिजर्व मेमोरी स्पेस? यस. डज पाइथन अलाउ यू टू असाइन ए सिंगल वैल्यू टू सेवरल वेरिएबल साइमल्टेनियसली? या हम जो है असाइन कर सकते हैं सिंगल वैल्यू को सेवरल वेरिएबल में, तो येस पाइथन अलाउ यू टू असाइन ए सिंगल वैल्यू टू सेवरल वेरिएबल साइमल्टेनियसली. गिव एग्जाम्पल ऑफ इम्यूटेबल डाटा टाइप्स. तो म्यूटेबल इम्यूटेबल मैंने बताए थे, म्यूटेबल जिसमें वैल्यू को चेंज किया जा सके, इम्यूटेबल जिसमें वैल्यू चेंज ना हो, तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है? टपल होता है. विच टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर इन नंबर डाटा टाइप? नंबर डाटा टाइप में कैसी वैल्यू होती है? न्यूमेरिक वैल्यू. ठीक है. डज पाइथन अलाउ फॉर ओनली डबल कोट्स? क्या पाइथन जो है सिर्फ डबल कोट्स को अलाउ करता है? नो, पाइथन डज अलाउ फॉर आइदर पेयर ऑफ सिंगल और डबल कोट्स. हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था ना कि उसमें सिंगल और डबल दोनों यूज हो सकते हैं, तो ये ट्रू हो रहा है. राइट द नंबर ऑफ मोस्ट वर्सेटाइल पाइथन कंपाउंड डाटा टाइप्स. तो कौन सी है? लिस्ट है. विच डाटा टाइप कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कोमा? जिसमें कोमा के द्वारा हम सेपरेट करते हैं, तो वो होता है टपल में. वॉट इज आइडियली? आइडियली हमें पढ़ा था, आइडियली जरूरत होती है पाइथन को चलाने के लिए. इज द मोस्ट पॉपुलर पाइथन डेवलपमेंट एनवायरमेंट? आइडियली इज इन ए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट. ओके. नेम सम कमांड ऑफ पाइथन. पाइथन की कमांड कॉपीराइट हेल्प क्रेडिट ये सारी क्या होती है? पाइथन कमांड होती है. तो ये थे पाइथन के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, सेकंड और थर्ड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.